आपने काफी ज्यादा अच्छा प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन अभी भी 86% लोगों ने यार सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दो और हमारी प्यारी स्ट्रॉन्ग डिजिक्रस फैमिली के साथ जुड़ जाओ। तो लेट्स स्टार्ट डिजिक्रस गेमिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। और राइट गाइस, हमारा पहला गेम स्टार्ट हो चुका है और ये इस गेम का नाम है ऑफिशियल GTA 5 क्लोन। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल GTA 5 जैसा, क्योंकि ये देख सकते हो फ्रैंकलिन के घर एकदम असली GTA 5 की तरह। और यहाँ पे हमारे प्यारे गणपति बापा भी है, तो बोलो जय गणपति बापा मोरिया। और हम लोगों ने देख सकते हो यार GTA 5 का फ्रैंकलिन का हाउस कितना ज्यादा रियलिस्टिक और डिटेल में बनाया गया, एकदम सब कुछ वैसा डिटो सेम टू सेम है। ऐसा लग रहा है कि मैं फोन के अंदर असली वाला GTA 5 खेल रहा हूँ। और यहाँ पे बेड भी है भाई, कितना ज्यादा मजा आ रहा है भाई इस गेम को खेलने में भाई। और बाहर का नजारा तो देख सकते हो कितना ज्यादा गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। यस ठीक है, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे भी ये गेम बहुत ज्यादा लेग हो रहा है, क्योंकि ये भी पिछली वाली गेम की तरह औकात से बाहर है। इसकी जगह ग्राफिक्स हमारी फोन से औकात से बाहर है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेग हो रहा है। और यहाँ पे देखो फ्रैंकलिन के पास बिल्कुल फोन है वैसे GTA 5 के अंदर होता है। और ये लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, तुझको पता है मैंने ग्रैनी के मुंह पे टट्टी फेंक के आया उसके घर के अंदर, क्या क्या बकबक करते रहते हैं। और यहाँ पे रोड तो देखो भाई साहब कितना ज्यादा रियलिस्टिक है रोड वगैरह, और ये स्टोर वगैरह भाई मुझे तो भाई यकीन नहीं हो रहा कि मैं फोन के अंदर प्ले कर पा रहा हूँ। और यार रोड भी एकदम रियलिस्टिक है, मजा आ रहा है यार इस गेम को खेलने में। तो तुम लोग बताओ ये गेम तुम्हें कमेंट में कैसे लगा कम। और यहाँ पे तो इसके अंदर एक और फ्यूचर है, हम लोग फोन के अंदर किसी भी गाड़ी को बुला सकते हैं, स्पॉन कर सकते हैं, जो भी GTA 5 के अंदर गाड़ी होती है वो वाली। तो यहाँ पे मैंने एक गाड़ी को स्पॉन कर दिया है और अभी मैं इसके अंदर बैठ के हैवी ड्राइवर वाली ड्राइविंग करने वाला हूँ जाएगा। और मैंने ट्रैफिक एकदम रोड पे जाम कर दिया है। और राइट गाइस, मैं ट्रैफिक से तो हट गया, अब मैं रोड पे जो कि इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ। थोड़ा सा फोन लेग हो रहा है, अगर आपका फोन हैवी है तभी इस गेम को डाउनलोड कर देना, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अंदर आपको पूरा का पूरा GTA 5 का मैप मिल जाएगा। और ये इसको ठोकता और रुक जाए तेरी बैस की आग, अबे ये तो बच गया और सामने बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाए। और राइट गाइस, मैंने एक और गाड़ी को स्पॉन कर दिया, ये बाइक वाली को। और ये गेम काफी ज्यादा रियलिस्टिक ऑफिशियल GTA 5 जैसा बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर पूरा आपको GTA 5 का मैप मिल जाएगा। वैसे आपको ये गेम कैसा लगता है कमेंट में जरूर बता देना। वैसे मुझे इस गेम को खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, इसके रोड के अंदर बाइक चलाने में तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि यार देखो तो सही कितना ज्यादा असली गेम जैसा लग रहा है एकदम GTA 5। और गाड़ी 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 चलेंगे, इसकी बैस की टैंक हम लोग हैवी टायर बनेंगे, थोड़ा सा ये बैठे मौज कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। वापस से मैं गाड़ी चेंज कर दी और मैंने अभी गाड़ी जो ली है लंबरगिनी वाली लाइट ब्लू कलर, पता नहीं ये लंबरगिनी। ओके, तो नेक्स्ट गेम है इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D। और ये गेम मैं वापस से क्यों खेल रहा हूँ ये सोच रहे होंगे तुम लोग, क्योंकि लास्ट बार तुम लोगों ने इतने ज्यादा कमेंट में कोड भेजे थे, तो आज हम लोग इस गेम के कुछ कोड्स को ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डायल करता हूँ 3-3, यहाँ पे एक कार आ जाती है, तो हम लोग इसके अंदर कोड डाल दे तो कार आ जाती है। तो लेकिन ये यहाँ पे थार आ चुकी है, वो भी सौरव जोशी वाली थार आ चुकी है, लेनी मुझे थार। अब मैं थार के अंदर बैठ के देखो किस तरह से सबकी बैठ हो जाता हूँ सलमान खान की तरह। अरे कमल कहते यार भाई साहब किधर जा रहे हो, तुमको मैं ठोक दूंगा। तो ये काफी ज्यादा तुम लोगों ने कमेंट करके ये मुझे कोड बताया थे, तो उन कोड को आज हम लोग ट्राई करने वाले। वैसे आपको ये GTA 5 की मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपको उसका पार्ट 2 चाहिए तो जल्दी से 10,000 लाइक कंप्लीट कर दो मेरे प्यारे दोस्तों। और राइट, अभी हम लोग एक और नंबर डायल करने वाले, तो अभी हम लोग 200 डायल करते हैं। 200 डायल करने के बाद हमें एक हॉर्स मिलता है, ये रहा घोड़ा। ओ देखो हम लोग बैठ के, एक गाड़ी किसने टोक डाली है, ड्राइविंग लाइसेंस इसको किसके दिया रहे हैं, भाई बीच पे सड़क पे आ गया मुझको ऐसे टोक डाल दे, अंधा है क्या भाई तेरी बैस की टांग, इसका बैंड बजाने पड़ेगा। ये ले 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 तेरी आ, इतनी ज्यादा हिम्मत की मुझे मान ले, ये ले तेरी कार पूरी पूरी तोड़ दूंगा भैंस की टांग इसकी। और अभी हम लोग घोड़े के ऊपर बैठेंगे, ये चढ़ गया दूल्हे राजा घोड़े के ऊपर, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, ओहो ए सबको मारता मारता चल रहा है डोरा। और ये घोड़ा कूदता भी है, क्या बात है, ओहो ये बॉय मजा आएगा। रुको आप घोड़े वर्सेस कार की फाइट लंबरगिनी ये तो दूंगा। अबे गाड़ी निकल निकलने वरने बहुत बड़ी बैंड बजेगी। वैसे घोड़े के ऊपर बैठ के एकदम दूल्हे राजा की तरह नहीं दिख रहा, और इसकी दुल्हन मिल गई, ए मैडम जी उससे शादी कर। एक सेकंड यार, ज्यादा उतावले के चक्कर में मैडम जी की दांत बात टूट गए क्या, मैडम जी आप ठीक तो, आप मेरे से शादी करोगी क्या? नहीं हट बेस चल वो ठीक है। अबे तेरी इतनी हिम्मत मुझे ना बोलने की, आप वैसे मुझे नहीं करनी थी, अच्छा अच्छा तेरी बैस की टांग कुचल दूंगा ये घोड़े की तरह, बढ़िया है मुझे रिजेक्ट करने वाली, समझती क्या आपने, आपकी दुनिया में आखिरी लड़की होगी तभी मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, बढ़िया है मैं सिग्मा मेल हूँ, आ जा ये बुआ है चलो घोड़ा टिप टिक। ओके, तो नेक्स्ट कोड है
5555 इसको डायल करने के बाद हमें गूस्ट राइडर वाली बाइक मिलेगी। ओ भाई सच में गूस्ट राइडर वाली बाइक मिल गई भाई, ये तो खतरनाक है। इसको बैठ के हम लोग चलाएंगे तो काफी ज्यादा डेंजरस वाली फील आएगी। यह बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। ओ भाई क्या खतरनाक, हम लोग चला रहे रोड पे, हट जाओ वंदन, आग लगा दूंगा आग लगा दूंगा आग लगा दूंगा आग लगा दूंगा, ये बॉय मजा आ रहा है। और राइट अब हम लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे जंप करके। ओ भाई क्या जंप लगाई मैंने, तो ये गाड़ी देखो किस तरह से मैंने दोस्तों गाइस यार जंप लगाई। इस बात पे तो एक लाइक का बटन दब बनता है यार। तो यहाँ पे सामने मुझे विमान दिख रहा है, विमल जो भी है यार, ये दिख रहा है मुझको। और इसको चलाने का तो मन कर रहा है मेरे को, एक बार तो ट्राई करना पड़ेगा। चलो अब हम लोग विमान को अंदर बैठ जाते हैं और चलते हैं। ये बॉय और राइट गाइस हम लोग विमान के अंदर बैठ के चला रहे हैं। ये मुझे विमान चलाना नहीं आता, मेरी डिग्री विमान ठोक गया, मर गया क्या मैं? नहीं यार मर गया। चलो इस गेम को क्विट करते हैं। ओके तो नेक्स्ट गेम है गैंगस्टर वेगस वर्ल्ड ऑफ क्राइम। ओहो गेम स्टार्ट हो चुका है और गेम की ग्राफिक्स काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे हैं। और ये स्टोरी मोड हो चुका है क्या स्टार्ट? ओ ये पे गुंडा है और इसको ये कह रहा है कि तुम बॉक्सिंग मैच में हार जाओ, समझ रहे कि नहीं? ओके तो अब इसकी बॉक्सिंग मैच है, स्टोरी कुछ चालू हो चुका है। ओहो दोनों की 2000 फाइट हो चुकी है और हमारा प्लेवर ने बॉक्सर को मार डाला और जीत चुका। ओ पर उसने तो मरा गया था और अभी हमारा प्लेवर भाग रहा है यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठ के। चलो चलाते इस गाड़ी को। और ये पीछे के पड़ चुके हैं दोनों के दोनों गुंडे और बंदूक मार रहे हैं, लगता है ये कार लेके इसको पीछे पड़ेंगे। ओ हो हमारी गाड़ी चल चुकी है लेकिन हम लोग भी कुछ कम नहीं है। ये गेम आपको कैसा लग रहा है बताना मुझे। और यार साइड में हो जाओ, हमारी गाड़ी एकदम हैवी टायर है और अभी हमारे पीछे गुंडे पड़ चुके हैं और अभी हम लोग किसी लड़की की कार के अंदर बैठ चुके हैं। हम लोगों ने गुंडों को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ पे हमारे पीछे पीछे पुलिस भी आ रही है और ये सब लोग हमें मारने चाहते हैं। सुन लो चप्पल चोर बिकबंगे नल्ले बेरोजगार पुलिस वालों, तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे। ओ भाई ये गेम काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ओ सामने इतनी सारी गाड़ी, इनकी दमाल कर दूंगा, डिस्ट्रॉय तबाही मचा दूंगा, समझते क्या तुम लोग, तुम्हारा भाई एकदम प्रो है। और यहाँ पे एक और पुलिसों की गाड़ी पड़ी है और पीछे हेलीकॉप्टर, काफी ज्यादा बहुत ज्यादा पुलिसों की गाड़ी पड़ी है लेकिन हम लोगों को किस तरह से इन सबको रोकना है। ये बॉय हम लोग फाइनल निकल गए, अब हम लोगों के पास एक ही चारा है, इस पहाड़ से नीचे गिरना है। अबे पहाड़ के नीचे हम लोग बनना जाए नहीं, ओह शिट मैन दिस इज नॉट गुड। ऑलराइट हमारा गेम स्टार्ट हो गया। और हमारे ये देख सकते हो यार ये सिटी काफी ज्यादा अपग्रेड नहीं है, ऐसा लग रहा है 2050 में आ चुके। और रेड निकल बे, मुझे गाड़ी चलाना है बे, ये GTA 5 जैसी बिल्कुल गेम है और काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है इस गेम को खेलने में। और हट जाओ जब, वाओ यार रोड काफी ज्यादा मस्त है, प्रॉपर पर्पल कलर के रोड आजकल तो आने लगे। हट जाओ ये बैस की टांग ने गाड़ी ठोक डालेंगे। और अभी दिन हो चुकी है या पहले रात थी क्या शाम थी पता नहीं यार, जो भी था। चलो यहाँ पे मुझे गाड़ी चलाने का बहुत ज्यादा शौक है क्योंकि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मैं सबको बहुत ज्यादा प्रेम से ठोकता हूँ। राइट हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे बंदूक लेके इस गाड़ी वाले को मारने की कोशिश करते हैं। रुक जा कौन है जाए, ये बस को तोड़ देते हैं, रुक जाओ इस बस को तोड़ते हैं, इस गाड़ी को तोड़ते हैं, इससे जुड़ो जो भी यार। ये पंगा करने का मुझे काफी ज्यादा मजा होता है, जो नई नई GTA 5 की गेम के अंदर होता है ना तो काफी ज्यादा मजा आता है। ये तू भी गया, अबे बस तो ये सारी की सारी गाड़ी भाग रही है लगता मुझसे डर के, यहाँ पे गोलीबाजी हो चुकी है, लगता पुलिस भी अब चुकी आने वाली है। ये तू भी गया, बैठे किधर भाग रहा था, ये टैक्सी वाला भी भाग रहा है, रुक जा तू भी रुक जा। ए ये कैसे भाग रहा था लाल टी शर्ट वाला, इसकी बैंड बजा डाली मैंने तो। वो राइट ये सामने आ रही है मेरे सामने, इको वगैरह सबको मार डालूंगा। ए मैडम जी यहाँ पे, ए मैडम की इतनी हिम्मत मुझे मारने की, ए आंटी जी निकलो यहाँ से। ओके तो नेक्स्ट गेम है मेड आउट बिग सिटी ऑनलाइन और ये बिल्कुल सस्ता GTA 5 जैसी गेम है। और राइट हमारा गेम स्टार्ट हो गया और इसके अंदर जंप भी मार सकते है। ये GTA 5 RP भी है और इसके अंदर इमोट है, ये कौन सा इमोट है बे, हगने वाला, इसको ट्राई करना तो बनता है एक बार। ओह भाई ये तो खुले में हग रहा है रस्ते में, खुले में हगना बंद करो, बाहर में जो हगेगा अपना गुण खाएगा। भाई बंद कर दे, खुले में हगना बंद कर रहे हो तो इसके अंदर पता नहीं क्या करना है। वैसे मैं यहाँ पे बंदूक चढ़ा सकता हूँ क्या इस पे? ले तेरी पैसी टाइम जो भी हो। GTA 5 की गेम के अंदर लोगों को मारने में काफी ज्यादा वैसे अच्छा लगता है, वैसे मैं साइको नहीं हूँ लेकिन अच्छा लगता है। चलो यहाँ से भागता है, पुलिस आ गई, भागो 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 पीछे आएगी। ओके तो इसके अंदर मिशन भी होंगे और ये पुलिस वाले अंकल मुझको, ए सलमान खान है क्या पुलिस वाला, सलमान खान कब से पुलिस वाला बन गया पता नहीं यार, इसकी बैंड वजह से। रुक जाओ, और ये पुलिस वाला चुपचाप क्यों खड़ा हुआ है, ए लगता है ये अपनी जिंदगी से कंटार गया है इसलिए चुपचाप खड़ा है, मुझे मान नहीं रहा है, इसको मैंने बैंड बजा दी। और ये पीछे से पता नहीं कौन से पुलिस वाले मार रहे हैं। चलो यहाँ से फटाफट से भाग जाता है इससे पहले कि कोई और पुलिस वाला मेरी बैंड बजा दे। अब भाग 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 भाग, ए अंकल जी किधर जा रहे हो?
ओके तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे मिशन सेलेक्ट कर दिया और अभी हमारा मिशन लगता है स्टार्ट होने आ रहा है। तेरे को मैं सुपारी देता हूँ, जाके उस बंदे को मारना। अच्छा तो ये मुझे सुपारी दी है तो हमें इसके बंदे को पता नहीं क्या करना है। ओके तो हमें यहाँ पे 5 चीजों की बैग कलेक्ट करने हैं यहाँ पे इस गेम के अंदर। चलो यहाँ पे फटाफट से 5 बैग कलेक्ट कर देते हैं। तो अभी हमने 2 बैग तो कलेक्ट कर दिया, अभी हमें 3 बैग और ढूंढना है इस मिशन के अंदर और ये तीसरा मिल गया। ये सारे सारे बैग के इस कोथरी के अंदर कुछ लगता है सोना होगा या पैसा होगा, ये कुछ काम की नशेबाजी चीज नहीं है, चरस गांजा तो नहीं है ना इसके अंदर। ओके तो 5 कलेक्ट कर दिया, अब हमें उस वापस से उस बंदे के पास जाना है जो कि ये नशाबाजी करता है। मुझे तो लगता है इसके अंदर गांजा होगा, गांजा हीरोइन, गांजा होगा हीरोइन। अभी ये चलो इसके पास हम लोग आ चुके हैं और मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारा नेक्स्ट मिशन पे करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट मिशन कैसा होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट मिशन हमारा शुरू हो चुका है और यहाँ पे ये अलग है ना, ये लड़की है और लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है क्या पता नहीं यार, कोई भी है। ओके तो यहाँ पे ये हेल्प कर रही है, ये कह रही कि मुझे जो कि एक बंदे को मारना है। ओके तो अभी हम लोग इस कार के अंदर बैठ के उस बंदे को मारने जा रहे हैं, शायद इसके कोई दुश्मनी होगी उस बंदे के साथ तो इसलिए हमें उस बंदे को जाके मारना है। उसकी बदले हमें इसने हमें सुपारी दी है, लेट्स गो एंड गो एंड हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं काफी ज्यादा हैवी ड्राइवर हूँ, मैंने सलमान खान से कार ड्राइविंग सीखी है। हेलो हेलो अच्छा ब्रो, यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ और ये वही वाली जगह जहाँ पे वो बंदा है, शायद हमें किस बंदे को मारना है। ओ ये हमें मारना है, अबे तेरी इतनी हिम्मत, तुझको बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी है, मुझे मारेगा तू, तेरी भैंस का पूछड़ा ये ब्रो। ओ इसने मुझको धक्का दिया, धक्का कैसे दिया तूने, ये ले तेरी तो, अबे ये। और हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, इतना ही जल्दी, इजी था क्या? ये मिशन काफी इजी था, तो नेक्स्ट गेम की ओर बढ़ते। ओके तो नेक्स्ट गेम में इंडियन हेवी ड्राइवर, हेवी ड्राइवर। हमारा गेम स्टार्ट हो गया और ये भाई कितना खतरनाक गुंडा लग रहा है, एकदम बच्चन पांडे, ये किसी हीरो की तरह लग रहा है, संजू दत्त की तरह। और ये क्या है, ये सामने इसका घर है क्या, और ये थार भी है इसके पास, और ये कैसा सरा हुआ LG का फोन है इसके पास, और ये क्या, अबे इसके अंदर तो कार गाड़ी बंगले के साथ ये बीवी भी फ्री है, क्या बात है, ये इसकी बीवी है भाई, ये कैसा गेम है जिसके अंदर इसकी बीवी भी फ्री है, लगता तो यही है इसकी बीवी है। और ये हम लोग घर भी देख लेते हैं, सिर्फ बीवी क्या देखनी है, और जो इसका घर देखते हैं कितना अच्छा है। ओहो घर भी काफी ज्यादा वैसे तो मस्त लग रहा है, डिसेंट घर है वैसे, अच्छा ही है वैसे, किचन वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, गुंडा मतलब एकदम खतरनाक वाला लग रहा है। इसके अंदर हमें थार चलानी है, करना क्या है इस गेम के अंदर मुझे पता नहीं, वो बाइक चलाता है ये वाली। ओहो ये फटफटी बाइक तो काफी ज्यादा मस्त लग रही है, इसकी आवाज भी काफी ज्यादा आ रही है, ये देखो एकदम इंडियन बाइक लग रही है यार दोस्तों, ये इंडियन हैवी ड्राइवर बिल्कुल इंडियन जैसा गेम लग रहा है। ओहो ये चला है मैंने चश्मा लेके और होट दबंग दबंग की तरह, और ये बिल्कुल गुंडे जैसा लग रहा है, खतरनाक वाला गुंडा हो ना। और ये होटल वगैरह है क्या सामने, होटल में जाएंगे खाना खाएंगे ये। और ये ट्रक भी देखो हमारा इंडियन वाला ट्रक, और इंडियन जैसा रोड है, और ये सिटी भी पूरी की पूरी इंडियन जैसी लग रही है, क्यों है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ओ चलाते फटाफट से, ये मजा आ रहा है वैसे इस फटफटी चलाने में। ओके तो नेक्स्ट गेम है सुपर हीरो बैटल फॉर जस्टिस, और ये सुपर हीरो का सस्ता गेम है, और यहाँ पे हम लोगों ने गेम शुरू करते यहाँ पे फाइटिंग होनी है। तुम्हारी बैंड बजाएंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सुपर हीरो से पंगा लोगे, ए क्या बीच में यहाँ पे फाइटिंग चली और तुम यहाँ पे फोन पे बातें कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से, भाग रही यहाँ से, अबे ये वापस से बात कर रहा है, इसकी बैस की टांगी थी अभी तुम्हारा वापस से बात कर रहा था, मैंने मजा चका दिया। तो ये है लाल पीली चरकच्छे वाला सुपर हीरो, अभी ये कैसा सुपर हीरो, ये हवा में उड़ सकता है, और ये रोप हीरो गेम हमने खेला था ना उसका वर्जन है, और अभी हमें एक मिशन मिला है। तो ये लड़की बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि इसका पर्स या फोन किसी ने चुरा लिया है, तो हम लोग यहाँ पे उसका पर्स और फोन चुराने वाले के पास जाते हैं और उसका फोन या पर्स जो भी है वो लेके आते हैं। और राइट हम लोग वहाँ पे पहुंच गए और यहाँ पे स्मार्टफोन इस बंदे के पास है, और ये बंदा स्मार्टफोन नहीं दे रहा है और ये बदले में हमें मारता है। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं लाल कच्चे वाला सुपर हीरो हूँ। अबे ओ भैंस के आगे इतने सारे लोग आगे मारने के लिए मुझको, इनकी बैंड बजाता हूँ, रुक जाओ ब्रो, मुझे मारना चाहते हैं तुम लोग, ये गोलियों से चिन चिन कर दूंगा, मेरी आंखों के अंदर से निकलती है रोशनी, ये लो अब हम लगता है फोन या जो भी। ओके तो उस लेडी का फोन हमें मिल चुका और इसको हमने दे दिया, उसने हमें थैंक यू सुपर हीरो क्या, और अब सुपर हीरो है लेकिन अब हम लोग वायलेंस मचाएंगे, हा हा हा, अब ये सुपर हीरो बचाने की जगह सबको मारेगा। ए रुक जा ते टोपी वाले गंजे, रुक जा ये जो भी है तू सूट बूट वाले, ये तेरी बैंड हो जाता हूँ, ये ले खली का ये लात। और ये पुलिस वाले भी आ गए लगता है मुझे मारने के लिए, पुलिस वाले सोच रहे होंगे ये सुपर हीरो बचाने की जगह सबको मार क्यों रहा है, अबे ये पुलिस वाले मर रहे, ए अबे ये क्या सुपर हीरो है, एक ही घंटे में मर गया भाई।
ओके तो नेक्स्ट गेम है क्राइम सिमुलेटर गैंगस्टर गेम। ओ भाई गेम की स्टार्टिंग कितनी डेंजरस हो गई भाई, हल्की की तरह ये कूदा और ये हंसने की आवाज कैसी आ रही है। ओ भाई ये तो खतरनाक गुंडे जैसे लग रहा है भाई, देखो तो सही कितना खतरनाक, जैसे गुंडा हो ना साउथ पिक्चर वाला वैसा लग रहा है। और इसके पास पावर कौन सी है, ओ एक लात मारेगा तो उधर ही मर जाएगा बंदा। और इस साहिब वाले को बहुत चर्बी है हाँ, अबे तेरी बेस्ट बूट मुझे मारेगा, ये वापस मारा है सूट बूट वाले, ये ने आंखों से तुझे मार दूंगा भाई, ये तो सबको जला भी रहा है, आग फेंक रहा है ये तो, और ये आंखों से ये फेस की आग हड्डी पसली बना दी इन सबको तो जला जला के, क्या बात है ना मस्त है ना। और ये लगता है पुलिस वाला आ चुका है, मरना है तेरे को हाँ, मरना है तेरे को, डर नहीं लगता पुलिस वाले, अबे रुक जा इसकी बहन हो जाता हूँ ये न। अबे मैंने इसकी कार भी तोड़ दी और पुलिस वाले को जला के हड्डी पसली कर दिया, चुरवा बढ़ा दिया मैंने। ओ अब तो टैंक भी आने लगे लगता है, टैंक से बचना पड़ेगा मेरे को। अभी भैंस की आग, ये तो दीवारों के ऊपर भी चल रहा है स्पाइडरमैन की तरह, अभी कितनी ज्यादा पावर से सारे सुपर हीरो की पावर से लगता है इसके पास है, स्पाइडरमैन की सुपरमैन की अबे हल्क की वगैरह सारे। और अब लोग टैंक के ऊपर कूद चुके, टैंक की हालत तो तोड़ देंगे, रुक जाए टैंक वाले तेरी इतनी हिम्मत हमें मारेगा तो रुक जा, ये बैंड हो जाते। ओके तो अभी हम लोग कार के अंदर बैठ गए और अभी हम लोग कार को लेके भाग रहे हैं मिशन की ओर पे, तो हमें एक मिशन मिला है, हमें साथ एक व्यक्ति को मारना है शायद से, लेट्स गो। ये ब्रो ब्रो मेरे को कहाँ भी जाना, राइट जाना है, ये जाओ सारे के सारे नहीं बनना, आज तुम्हारा आखिरी दिन हो सकता है, माफ करना मुझको। ओके तो ये यहाँ पे खड़ी करनी है कार, ओ मैं कार को यहाँ पे खड़ी कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे मिशन मिला है सबको मारने का, ये देखो मेरे पास अलग अलग पावर, ये मेरा गुब्बारा फेंका। ओ भाई ये देख तो सुनो ब्रो, यहाँ पे ये पूरा बंदा हवा में उड़ा दिया मैंने गुब्बारे से, इसके पास बहुत अजीब अजीब अलग अलग पावर्स हैं, मजा आ गया इस गेम को खेलने में। और अंकल जी मोटे अंकल कहाँ पे जा रहे हो, ओ टुंडू क्या करना है मुझे, अबे रुक जाओ ये ले तेज कर जला दूंगा, बहुत ज्यादा घूमने का सुख है, अबे पुलिस वाले तेरे को भी जला दूंगा रुक जा। और कहने पे जल्दी बता दो तुम सबकी बहन हो जा दूंगा। ओ भाई इसके पास तो रस्सी भी है, ये स्पाइडरमैन की तरह रस्सी फेंक सकता है और यहाँ पे दीवारों पे चल सकता है, मस्त गेम है ये। ओके तो नेक्स्ट गेम है पे बैक टू। ओ ये गेम को मैंने स्टार्ट कर दिया और ये GTA 5 जैसा थोड़ा सा गेम है, और ये मैं आ चुका है सिटी के अंदर, और ये फोन आ रहा है मुझको, फोन तो बाद में उठाएंगे, पहले यहाँ पे बंदों को मारते इस शॉट गन से, ये ले शॉट गन से ये गाड़ी को तोड़ दिया मैंने, बम बम दर्दाका करूंगा। ओके तो यहाँ पे फोन को लुटा लेते हैं सबसे पहले। ओके तो हमें शायद से कोई मिशन मिल चुका है जहाँ पे हमें किसी बंदों को मारना है ब्रो, तो चलो फिर हम लोग धूम धड़ाका चलते हैं। ये ब्रो ड्यूड यहाँ पे मेरे सामने कोई भी आएगा ना सबकी बहन हो जा दूंगा, मेरे पास चक्कू भी है ये लो खचा खचा खचा। और ये कार के अंदर में बैठ गया किसी और की कार के और चेहरे छुड़ा लिया, और अब हम लोग चलते हैं उन बंदों को मारने के लिए, लेट्स गो। ओ ये सारे सारे गैंग है और इस गैंग को मुझे लगता है खत्म करना है, मेरे पास चाकू है रामपुरी चक्कू, ये ले तुम्हारे पेट के अंदर छुरी छुरी मारूंगा, ये ले तू भी ले, ये तू भी रहे, ये रामपुरी चक्कू से सबकी बहन बचाऊंगा। ये बॉय डूड वहां पे एक और बंदा पड़ा है, ये मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। ओके तो ये मिशन कंप्लीट हो चुका है और अभी हमें एक नेक्स्ट मिशन मिल चुका है, तो मैं वहां पे जा रहा हूँ जहाँ मुझे लोकेशन दी थी, तो यहाँ पे मुझे एक बंदा है उसका पीछा करना है, तो छुपके छुपके जाना पड़ेगा, वो मुझे कहीं देख ना ले, अगर देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये कहाँ पे जा रहा है उसका मुझे पीछे करना है, वो वहाँ पे जा रहा बंदा, मन तो कर रहा अभी मैं इस बंदूक से उसको शूट कर रहा हूँ पर मानना नहीं है उसको। और राइट ये यहाँ पे आ चुका है, इस घर के अंदर जा रहा है, अच्छा बच्चू तो इस घर के अंदर जा रहा है, रुक जा मैं इस घर के अंदर जाता हूँ। अबे मिशन कंप्लीट हो गया, तो ये गेम तो यही पे खत्म करते हैं, इसका पूरा गेम प्ले चाहिए तो कमेंट में बता देना, मिलते हैं नेक्स्ट गेम। ओके तो नेक्स्ट गेम है टच्ची सीट एंड रन, वेल हबीबी हम आती GTA 5 के अंदर, ये देखो हमारे रेगिस्तान होती और यहाँ पे हमारी कार होती जिसको हम चलाती। ओहो ये गेम तो काफी ज्यादा रेगिस्तान वाला निकला, और ये रेगिस्तान वाला GTA 5 गेम मतलब कह सकते हो, और इसके अंदर हमें ये खटावासी कार है, और इसके अंदर हमें मिशन भी दिए गए, देखो कौन से मिशन है। ओके तो हमें सबसे पहले मिशन है डिलीवरी ए टेस्ट कस्टमर और डिलीवरी करना पिज्जा, अभी हम लोग पिज्जा वाले हैं क्या, पिज्जा बेचेंगे क्या, अब पिज्जा हमें कहाँ से मिलेंगे और कहाँ पे पिज्जा देने हैं पता नहीं। ओ ये रहा पिज्जा वाली शॉप, ओके तो हमें यहाँ से पिज्जा लेने हैं और उसके बाद हमें पिज्जा किसी और को देने, लेट्स गो। यहाँ पे हमें लोकेशन दी है, वहाँ पे हमें पिज्जा डिलीवरी करने है, सबसे ज्यादा फास्ट डिलीवरी करेंगे तुम्हारा भाई, 5 मिनट के अंदर पिज्जा आ जाएगा ये लो। अबे रास्ते में पिज्जा देने थे क्या, कोई है भी नहीं। और अभी हमें इस अंकल को बिठाना है अपनी कार के अंदर, उसके बाद हमें कार के अंदर बिठाने के बाद यहाँ पे अंकल को कहीं पे जाना है तो वहाँ पे छोड़ के जाना है। रुको मैं यहाँ पे सबसे फास्ट डिलीवरी आपको अंकल करवा दूंगा, आपकी फ्लाइट मिस नहीं होगी, आप एकदम निश्चित रहिए, मैं GTA 5 वाला बंदा
ये वल्हा बीबी तुमको पहुंचा था जल्दी में, ये वल्हा बीबी कम टू दुबई, नहीं जाना दुबई मुझे, यहाँ पे करा कर दिया। ये अंकल जी अच्छे पैसे दिए तुमने। अच्छा ओके, नेक्स्ट वाला मिशन क्या है? ओके तो नेक्स्ट मिशन है हमें जो गरम कुत्ते वाली जो शॉप है ना उनको तोड़ना है, मतलब हॉट डॉग की जितनी भी शॉप है ना उनको तोड़ना है। हाँ तोड़ना तो चाहिए। ओ इससे तोड़ने जा रहा था लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले अंकल मेरे पीछे पड़ चुके हैं। अरे छोड़ दे पुलिस वाले अंकल, ये मेरे हाथ धो के क्यों पीछे पड़ चुकी है पुलिस वाली। अरे यार बचा बचा बचा, चलो भागते यहाँ से फटाफट से। और ये वो सामने हॉट डॉग की दिखाई दे रही है, यहाँ पे हॉट डॉग खाओगे, हॉट डॉग खाओगे तुम्हारी भैंस की डांग। अब जितने भी हॉट डॉग वाली दुकानें होंगी ना सबको मैं तोड़ दूंगा, रुक जाओ। ये सलमान खान की तरह हॉट डॉग तोड़ दिए, निकलो यहाँ से, सबकी टांगे वांगे तोड़ दी। ओके तो नेक्स्ट गेम है ग्रैंड ग्रैंडस्टर 3D, ये काफी ज्यादा पुराना गेम है और ये मस्त गेम है। ओहो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, अब क्या करना है? मुझे तो पहले संकल को कूटने का मन हो रहा है, ये ना बंदूक से मारूंगा तुझको, मर गया बेचारा, 3 डॉलर मिले हमें इसको मारने की जगह, अब लोगों को सिर्फ चंडी वाले को मारता हूँ। ओके तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट मिशन मिल चुका है, जिस मिशन के अंदर हमें बहुत सारे लोगों को सिटीजन को मारना है। अबे रुक जा इसको मारता हूँ, सबसे पहले एक बंदे को मार दिया और ये दूसरे बंदे को मार दिया जो सर पे हाथ लगा था। रुको आंटी जी किधर गए, आज आपका आखिरी दिन है, सॉरी सॉरी ब्रो, ये मुझे मानेगा तेरी इतनी बस। और कार के अंदर बैठे हुए उनको भी मारेंगे, रुक जा तू भी रे तू भी रे तू भी रे, सबके सब मरोगे, ये रहा तेरी भैंस की रंग। ओह मजा आ गया मारने में सबको, वैसे मजा आ रहा है लेकिन इन सबको मारने में। ये ले ये ले ये ले, अबे मर क्यों नहीं रही, ये गोली काफी ज्यादा वीक नहीं है, ये वापस से मुझे मारने के लिए आ रहा है तेरी भैंस की। और कौन है सामने? वो बंदा जा रहा है, वो उसकी बैंड बजाते, रुक जा रुक जा रुक जा। ओके तो ये मिशन कंप्लीट हो गया शूटिंग टाइम। और एक और मिशन मिल चुका है जिसके अंदर हमें कार चलानी है और कार काफी ज्यादा फास्ट चला गया, हमें अपने ये जो पोजीशन है ना वहाँ पे पहुंचना है जहाँ पे मैप हमें दिखा रहा है। तो ऑल राइट हम लोग बिल्कुल हैवी ड्राइवर की तरह कार चला रहे हैं। वैसे ये गेम मुझे काफी ज्यादा पसंद नहीं आया, ठीक ठाक ही लगा, मतलब डिसेंट ग्राफिक्स है। वैसे ये गेम सिर्फ 25 MB का है तो इसके अंदर और क्या एक्सपेक्ट कर सकते। ऑल राइट हमारा फिनिश हो चुका है ये गेम और नेक्स्ट गेम पे। ओके तो नेक्स्ट गेम है गो टू कार ड्राइविंग 3, लेट्स गो। ये हमारा गेम स्टार्ट हो गया और ये हमारा बंदा है एक बिल्ली है। ओ बिल्ली को बिल्ली वर्सेस केट का डॉग का फाइट हो रहा है और बिल्ली उससे डर के मारे भाग गई शिप के अंदर, और अभी हमें बिल्ली को बचाना है। और हमारा कैरेक्टर कौन सा है? अबे ये क्या हमारा फ्लेवर, अबे नंगो पुंगो। और फिर यार ये बिल्ली को बचाने के लिए समुद्र के अंदर चला गया, लेकिन ये बिल्ली तो वहाँ पे गई है, लेकिन यहाँ पे क्यों जाना है मुझे पता नहीं। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और मुझे जैसे बता रहे हैं वैसा कर रहा हूँ। ओहो हम लोग ड्रोन के ऊपर बैठ सकते हैं, अच्छा तो अब हम लोग ड्रोन के ऊपर बैठ के बिल्ली को बचाते हैं। ऑल राइट हमने बिल्ली को बचा लिया, सार से बचा लिया, नहीं नहीं अब ये बचाएंगे। ओ बिल्ली को हमने फाइनली बचा लिया। भाई साहब ये गेम कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? देखो तो नंगू पुंगू आदमी हम लोग गया और एक नंगू पुंगू बिल्ली को बचा दिया। ओके तो अभी इस नंगू पुंगू के कपड़े बदलते हैं, अभी हमारा गेम स्टार्ट नहीं होता, ये तो बस थोड़ा सा ट्रेलर जैसा था। ऑल राइट अब हमारा गेम स्टार्ट। ओ भाई इसका घर रेखे क्या है, नजर ही आउ से भाई कितना मस्त गाँव रे, काज यार ऐसा घर मेरा भी होता मजा आ जाता कि है ना दोस्तों। अब यार इसके घर के अंदर बाथरूम भी मस्त है, ये नंगा मुंगा पैसे हो गया नहाने के लिए। अबे ना अभी तो पानी के अंदर डुबकी लगाई वापस क्यों नहा रहा था। ओके तो यहाँ पे बाहर जाते हैं, बाहर का नजारा कैसा है? ओ भाई कितना मस्त घर है भाई, इसका घर है कि क्या है, जीठे भाई जैसा बिल्कुल लग रहा है। ओ राइट मैं बाहर निकल रही हूँ, बाहर की सिटी तो देखो यहाँ पे सब कुछ है लिटरली भाई साहब ब्रो, यहाँ पे उल्लू भी है और यहाँ पे एक पार्क भी है, ओ वेल भी है, क्या बात है बस जा रही है। ओ भाई इसकी ग्राफिक्स सच में खतरनाक है और डाइना नाम की बंदी का कॉल आ रहा है, ये पता नहीं क्या बात है, हम मोटा के पता नहीं क्या हो रही है। और ये सामने ऑरेंज कलर की कार, ओए भाई साहब क्या है यहाँ पे, लड़की बाजी नहीं करने की रे बाबा, यहाँ से हम लोग निकलते हैं, यहाँ पे कुत्ता भी है व्हाइट कलर का। वाह यार ये गेम काफी ज्यादा मस्त ग्राफिक्स है वैसे इसके, है ना। और ये पे क्लब के अंदर आ गया और ये क्लब के अंदर तो सब नाचने हैं, नंगे पुंगे लोग नाचे। और दोस्तों मुझे यहाँ पे क्या मिला, मिस्टर बीन की यहाँ पे मुझे कार मिली है, लिटरली काफी ज्यादा मस्त कार मिली है मिस्टर बीन की। ओ मजा आ गया, मैं इन मिस्टर बीन की कार लेके सबको टोड़ूंगा, ये बॉय। अबे अबे तेरी इतनी हिम्मत, मुझे ठोकना चाहता है? अबे रुक जा बाहर निकल, अभी इसकी कार बहुत अच्छा था मस्त है, मैं इसकी कार को ले लेता हूँ, निकल बाहर तेरी इतनी हिम्मत मुझे मारने की। ऑलराइट अब लोग पार्क में जाते हैं, यहाँ पे मेला लगा हुआ है, मेले के वहाँ पे जाते हैं देखते हैं मेला कैसा है। यस यार इस गेम के अंदर मेला भी है, मेला यार GTA 5 जैसा बिल्कुल मेला है, उससे भी अच्छा लग रहा है उसका तो मेला ही है। वो भाई कितना मस्त चमक रहा है, ओ भाई सच में बिल्कुल खतरनाक ब्रो, ये तो लिटरली धमाकेदार मेला है। यहाँ पे हम लोग ये घोड़े देख सकते हो कितनी ज्यादा मजा आ रहा है ये पे मेला, ओ भाई कितना मस्त मेला है।
तो दोस्तों आज की वीडियो बस यही पे खत्म करते हैं, मैं मिलता हूँ एक नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना, और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।